الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم ويوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات دوستان عزیز سامعین کرام سلسلہ گفتگو کے آج پانچویں مرحلے میں امام المتقین کی صفات کے عنوان سے چند ماخوذات پیش خدمت ہیں پروردگار عالم سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے اس سورہ کی 74ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون عباد الرحمن خدا کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا کہ پروردگار مجھے ہماری ازواج سے عطا کر وذریاتنا اور ہماری اولاد سے ہمیں عطا کر ہماری ذریات سے ہمیں عطا کر کیا عطا کر قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین کے لیے امام قرار دیں
अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत की तफसीर में चंद रिवायात आपके सामने पिछले दिनों के अंदर अर्ज की कि जहां रिवायात के अंदर ये जिक्र है कि ये आयत खासुल खास मुतलक तौर पर अगर किसी के इमामुल मुत्तकीन होने की निशानदेही करती है तो वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लेकिन कल मैंने आपके सामने एक और हदीस मिश्कातुल अनवार से जिक्र की जिसमें पैगंबर फरमाते हैं कि इमामुल मुत्तकीन जुज़वी तौर पर, मुत्तकीन का इमाम जुज़वी तौर पर एक ख़ास महदूद अफराद के लिए, चंद अफराद के लिए इंसान रहनुमा बन सकता है, पेशवा बन सकता है और इसके लिए खुदा से दुआ भी कर सकता है ताकि जहां खुद मुत्तकी है, राह रास्त पर है, दीगर अफराद को भी, दूसरे अफराद को भी हिदायत के रास्ते पर गामजन कर सके। तो कोई इश्काल नहीं है कि आम इंसान भी ये दुआ करे और कुरान की इस आयत को अपनी दुआओं के अंदर शामिल करे, कोई इश्काल नहीं। चूँकि जिस तरीके से इंसान पर अपनी तरबियत की जिम्मेदारी है वैसे ही उसके घर वालों की तरबियत की जिम्मेदारी भी उसकी। खुदावंद मुताल कुरान मजीद में सूरह हदीद की छठी आयत में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इंसानों से नहीं कहा या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, खुद अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। किससे बचाओ? नार, आग से बचाओ। जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हो। खुद खुदा ये कह रहा है कि अपने घर वालों को रहनुमाई दो, हिदायत दो और जहन्नुम की आग से बचाओ। मालूम हुआ कि खुदा चाहता है कि इंसान जहाँ खुद राह रास्त पर हो वहाँ अपने घर वालों को भी राह रास्त पर लाने की कोशिश करे। तरबियत इस्लाह इंसान सिर्फ अपनी ना करे, अपनी तरबियत और इस्लाह के साथ साथ दूसरों की तरबियत की भी कोशिश करे। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि ये आयत, यहाँ इमाम का लफ्ज अगरचे मुफ़रद है लेकिन माना जम कर रखता है। कहा वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये नहीं कहा वजअलनी लिलमुत्तकीना इमामा, ऐ हमारे परवरदिगार तू मुझे मुत्तकीन का इमाम करार दे, नहीं कहा वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये एक जहां मैंने अजवाज का जिक्र किया, जहां मैंने ज़ुर्रियात का जिक्र किया, वहां खुद जब इमाम होने की बात की तो वहां भी ये दुआ के अंदर कहा कि परवरदिगार तू हम सबको मुत्तकी का इमाम कर, वजअलना हम सबको मुत्तकी का इमाम कर। अगरचे जुज़वी तौर पर ही, खास चंद अफराद के लिए, अपने घर वालों के लिए ही इंसान पेशवा बन सकता है, रहबर बन सकता है, रहनुमा बन सकता है। हदीस में है बिहावल अनवार की और मिश्कातुल अनवार की हदीस में है कि पैगंबर फरमाते हैं के अश्शेखो फी अहलिही कन नबी फी उम्मतिही, कि जो शख्स बुजुर्ग होता है, जो शख्स सन रसीदा होता है, वो अपने घर वालों के दरमियान वैसे ही अहमियत रखता है जैसे नबी अपनी उम्मत के दरमियान। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं कि मुझे बूढ़े की राय जवान की राय से ज्यादा पसंद है। एक मरतबा एक ऐसे आलिम से कि जो बहुत बड़े मुज्तहिद थे और पाकिस्तान के आलिम दीन थे, कई सालों पहले उनसे किसी ने सवाल किया कि जनाबे आली क़िबला यहाँ बूढ़े से क्या मुराद है। बहुत सारे बूढ़े ऐसे हुआ करते हैं कि जिनकी दाढ़ी तो सफ़ेद हो जाती है लेकिन ज़हनी एतबार से अभी तक तिफले मकतब होते हैं, तो यहाँ बूढ़े से क्या मुराद। उसने थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया और सोचने के बाद, आरिफ आदमी थे, ऐसे आरिफ जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो खुद भी गवाह नहीं करते थे कि उनका नाम पब्लिक के अंदर आए, वो कि जिनके वफात के वक्त आगा खोई ने अपने वकील को भेजा कि उनके जनाजे में शिरकत करो,
कराची के आलम दीन थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया और तवक्कुफ करने के बाद कहा यहाँ बूढ़े से मुराद तजुर्बाकार है, यानी ऐसा शख्स कि जो अगरचे बूढ़ा है लेकिन अगर तजुर्बाकार है तो मौला को उसकी राय पसंद है, और ऐसा जवान जो अगरचे जवान है लेकिन अगर तजुर्बेकार है तो उस बूढ़े के मुकाबले में कि जिसकी राय अहमकाना हो, इस जवान की राय मौला के नजदीक उसी बूढ़े के बारे में है कि जिसके बारे में मौला कौल कहता फरमाए। तवज्जो की आपने, यानी मौला कहना चाहते हैं कि अहसनो राय, बेहतरीन राय रखने वाला शख्स मुझे ज्यादा पसंद है उस शख्स के मुकाबले में कि जिसकी राय अहमकाना हो। इंसान-ए-गिरामी जब इंसान हिदायत देता है, किसी की रहनुमाई करता है, तो वो भी एक तरीके से रहनुमा है, पेशवा है। तो जब वो मुत्तकीन के चंद अफराद को, अपने घर वालों को खुदा की तरफ से तौफीक मिलने के बाद हिदायत देता है, रहनुमाई देता है, तो वो इस दुआ का मिसाल बनता है। आज का शिया, आज के घर वाले, कितने अफसोस की बात है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं है कि चंद लम्हे उन्हें कुरान की कुछ आयात, कुछ अहादीस, कुछ रिवायात बयान करें, सुबह शाम सोशल मीडिया के अंदर, और एक दूसरे को दिखाते रहते, तुमने देखा कि फेसबुक पे क्या आया, यूट्यूब पे क्या आया, बजाय इसके कि इंसान एक दूसरे के औकात को जाया करने के बजाय दीनी मसाइल को भले एक दिन ही सही उसके लिए इंतखाब करें और एक दूसरे से तज़किरा करें। छठे इमाम फरमाते हैं कि खुशा नसीब है वो शख्स, खुशबख्त है वो शख्स, खुश नसीब है वो शख्स जो पूरे हफ्ते में एक दिन अपने दीनी मसाइल के लिए मुकर्रर करता है, और कितना अफसोस का मकाम है उस शख्स के लिए कि जो पूरे हफ्ते के अंदर एक दिन भी अपने दीनी मसाइल के लिए मुकर्रर नहीं करता। तो ये मौला हमें दर्स दे रहे हैं कि देखिए आप खुद जहां हिदायत पर हैं वहां अपने घर वालों को भी हिदायत की तरफ रहनुमाई करें। इस आयत के और इस दुआ के मिसाल बनेंगे, इस दुआ के जो अदद मिसाल हैं, इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपको नजर आएगा कि गाहे बगारे इमाम अपने घर वालों को हिदायत देते हैं, कभी अपनी ज़ौजा से चंद नसीहतें जिक्र कर रहे हैं, कभी अपने बच्चों से। नहजुल बलागा को आप खोलें, आपको नजर आएगा कि गाहे बगारे इमाम ने अपने बच्चों को रहनुमाई की, जबकि ये बच्चे हसन और हुसैन वो हैं कि जो इल्म खुदा की जानिब से हासिल करके आए, फिर भी मौला उनके साथ बैठते हैं, अपनी वसीयत के अंदर उन्हें तक़वा की नसीहत करते हैं। उसी को मेरे बच्चों खुदा के तकवा को इख्तियार करो और अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो। मौला दर्स दे रहे हैं कि देखो घर के सरबराह की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों को हिदायत पर और रहनुमाई पर और अच्छे सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे। ये इमामुल मुत्तकीन कौन है जिनकी हमने अखलाकी सिफात भी उनसे इस्तेफादा किया, इबादी सिफात से इस्तेफादा किया, फर्दी सिफात से इस्तेफादा किया। आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमाम की निज़ामी सिफात, जंगी सिफात से इस्तेफादा करें। मौला जब जंग पर जाते थे तो किन सिफात के हामिल हुआ करते थे? मौला की ज़ात वो ज़ात थी कि जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ऐसे जंग मदार, ऐसे शुजा, ऐसे बहादुर थे कि बाज़ अफराद ये कहने पे मजबूर हो जाते थे कि ये मौला का हाथ आहन का हाथ है, लोहे का हाथ है। इस तरीके से शुजाहाना तौर पर जंग के अंदर एक के बाद एक हमले किया करते थे। हत्ता ये कि जब जालिमों ने और दुश्मनों ने चाहा कि मौला को शहीद करें, देखिए दुश्मन भी जानता था कि ये मौला कौन है, मौला किस मर्तबे पर, किस मकाम पर है। अल्फज़लो मा शहिदा बिल आदा, फजीलत वो हुआ करती है कि जिसका खुद दुश्मन गवाही दे। मौला की फजीलतों की गवाही खुद दुश्मन ने दी,
एक मर्तबा हाकिम शाम बैठा हुआ है और इब्न अब्बास से ही कहता है कि इब्न अब्बास तुम जो भी मौला की फजीलतें बयान करते हो, कुरान की जो भी तफसीर बयान करते हो उसमें मौला की फजीलत जरूर होती है। कभी तो ऐसा हो कि तुम कुरान की तफसीर बयान करो और उसमें मौला की कोई फजीलत ना हो, दूसरे मसाइल जिक्र हो। तो इब्न अब्बास जवाब देते हैं कि मैं क्या करूं कि कुरान की सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर वन नास तक जो भी आयत है या तो अहले बैत की मद में है या अहले बैत के दुश्मनों की जम में है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हाकिम शाम कहता है कि हाँ बेशक ऐसा ही है, पूरा वाकया है, मैं उसे तफसील से बयान करना नहीं चाहता। उस वक्त वो ये जुमला कहता है कि हाँ ये अली वो है कि जिनकी अगर शुजात को देखो तो उसका जिक्र कुरान में नजर आता है, अगर उनकी सखावत को देखो तो उसका जिक्र कुरान में नजर आता है, अगर उनके इल्म को देखो तो इसका जिक्र कुरान में नजर आता है, अगर उनकी मुदीरियत को देखो तो इसका जिक्र कुरान में नजर आता है, अगर उनके फिक्र को देखो तो उनकी फिक्र कुरान में नजर आती है, अगर उनकी तौहीद परस्ती और मुवाहिद होने को देखो तो वो कुरान के अंदर नजर आता है। तो हाकिम शाम भी इनकी फजीलत की गवाही देते हैं। ये मौला वो है कि जब चाहा लोगों ने इन्हें शहीद करें तो ऐसे शुजा जंग के अंदर ऐसे शुजा के सबने ये कहा कि जो चाहता है कि अली से निजात हासिल करे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक तो उसे जंग में शहीद नहीं किया जा सकता, जंग में शिकस्त नहीं दी जा सकती। जब वो मेहराब इबादत में खुदा के हुजूर मसरूफ इबादत हो, इबादत में मशगूल हो, तभी उन्हें शहीद किया जा सकता। अली की शुजात इस कदर थी कि जंग में किसी माँ के लाल की ये हिम्मत न थी कि वो जाकर अली के सामने खड़ा हो जाए और अली से कहे कि मैं आपको शहीद करूंगा। नहीं, अली इब्न अबी तालिब बेहतरीन शुजा और जंग के अंदर अखलाके जंग, जब जंग के अखलाक हैं उनकी रियायत करते थे, उनका ख्याल रखते थे। सबसे पहला अखलाक जो खुद मौला की जंगी सिफात में नजर आता है वो ये कि कभी भी जंग में इब्तिदा नहीं करते थे। देखिए मौला के अखलाक और दूसरे भी हैं, मैंने आपसे जिक्र किए चंद अखलाक, उसमें से चंद और भी आपसे जिक्र करता हूँ कि मौला का तवाज़ो इस कदर था कि जब कहीं पर जाते थे अपने अफराद के साथ, अपने निगहबानों के साथ, अपने असहाब के साथ जब कहीं पर जाते थे तो एक मरतबा नहजुल बलागा के अंदर ये जुमले मिलते हैं कि मकाम अंबार पर जब मौला पहुँचते हैं तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उनके इस्तकबाल में, कुछ लोग घोड़े से उतर जाते हैं और कुछ लोग भागना शुरू कर देते हैं मौला के आगे आगे। तो मौला कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है? तो वो ये जवाब देते हैं कि हम अपने बादशाहों का इस्तकबाल इस तरीके से करते हैं। मौला कहते हैं कि मैं भी खुदावंद आलम की मखलूकात में से एक मखलूक हूँ। देखो तुमने जो ये फेल अंजाम दिया, ना तुम्हें इसका दुनिया में कोई फायदा हुआ, ना इसका तुम्हें कोई आखिरत में कोई फायदा हुआ। अगर तुम्हें कुछ मिला है इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ खसारा मिला है कि दुनिया में भी तुम अपनी इस बिना वजह की जहमत में गिरफ्तार हुए और मशक्कत में गिरफ्तार हुए और आखिरत में भी तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मौला तवाज़ु के इस मकाम पर थे कि ये भी कबूल ना करते थे कि कोई बिना वजह इस्तकबाल के लिए उनके सामने खड़ा हो और उनकी तआज़ीम के लिए खड़ा हो। हाँ, अगर इल्म के एतबार से कोई खड़ा होता है तो इसमें शरीयत के एतबार से कोई इश्काल नहीं है, अगर कोई किसी मानवी कमाल और फजीलत की वजह से खड़ा होता है तो इसमें शरीयत के एतबार से कोई इश्काल नहीं है। चूंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो बुनियतुल मुबीन के अल्फाज हैं कि खुद मौला उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाएंगे और खुद मौला रसूल के इस्तकबाल में खड़े होते थे और ये रसूल वो हैं कि जब सैयदा के दीदार को और सैयदा के
दीदार को देखते थे और सैयदा का मुशायरा करते थे और सैयदा तशरीफ लाती थी, तो वो रसूल जिनके इस्तकबाल में मौला खड़े होते थे वो रसूल जनाबे सैयदा के लिए खड़े हो जाएंगे। ये तवाज़ो था मौला की। एक और सिफत के अहद से वफा करते थे, जब कोई अहद मान लेते थे तो उसे पाये तकमील तक पहुंचाते थे, बीच में तोड़ते नहीं थे। आज के शिया को डर से है कि जब तुम किसी से वादा करो औफू बिल उकूद, कुरान कह रहा है अपने वादों की पासदारी करो, अपने वादों के साथ वफा करो। एक मरतबा जंग सिफीन के मौके पर तहकीम के वक्त कि जब फास फैसला तहकीम पर हुआ तो उस वक्त मौला से कहा गया कि मौला आपने ये फैसला तो अब कर लिया। मौला ने कहा मैंने फैसला नहीं किया, ये फैसला मुझसे कहवाया गया, सिफीन पर तहकीम का फैसला कहवाया गया। अब जब कबूल कर लिया और एक अहद वाके हो गया कि जंग बंदी हो जाए, जब जंग खत्म हो गई और दुश्मन सामान बांधने लगा तो मौला का एक सहाबी मौला के पास आया और आकर कहा कि मौला अब दुश्मन गाफिल है, आप जाएं और उस पर हमला करते हैं। मौला उस वक्त जुमला कहते हैं हादा, ये चीज़ हमारे लिए हलाल नहीं है कि हम जब किसी चीज़ का अहद व पैमान बांध देते हैं तो उस अहद व पैमान को तोड़ें। ऐसा आली, ऐसा मकाम कि जब वो दुश्मन को गफलत के मौके पर जीर कर सकता है, उस वक्त भी खुदा के हुजूर में खुदा की इताअत का पाबंद होगा। ये मौला वो है कि जब इबादत के मौके पर पहुंचते हैं तो मुनाजात इस तरीके से तवाज़ो के साथ और खुशू खुशू के साथ करते हुए नजर आते हैं कि अगरचे जंग की बात हो फिर भी ये जुमले नजर आते हैं इलाही कैफा अदउका व अना अना वकैफा अक्तउ रजाई मिनका व अंता अंता। इलाही मैं तो जिससे कैसे दुआ करूं कि मैं तो बस मैं हूं, वकैफा अक्तउ रजाई मिनका व अंता अंता, लेकिन मैं कैसे तुझसे उम्मीद तोड़ सकता हूं कि तू भी तू है। इलाही कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दन व कफा बी फखरन अन तकून ली रब्बा अंत कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। परवरदिगार मेरे कफा बी इज्जन, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है। इलाही कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दन, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। व कफा बी फखरन, और मेरे फखर के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है। अंता कमा उहिब, तू तो वैसा ही है कि जैसा मैं चाहता हूँ। देखिए अली भी कैसा चाहते होंगे परवरदिगार के बारे में, मौला कह रहे अंता कमा उहिब, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तू है। फजअलनी कमा तुहिब, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। वो मुनाजात, वो बेहतरीन अल्फाज मौला के दुआओं के अंदर। मौला जब नमाज पढ़ा करते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज से कहते थे, जहर के साथ कहते थे, चीख कर नहीं। नमाज के अंदर दो किस्में, एक जहरिया नमाज है, एक इख्फात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज है। फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज जहरी नमाज है, और इख्फाती नमाज जोहर और असर की नमाज है, जिसमें आपको किराअत करनी है। अगर मर्द है, खवातीन की बात नहीं हुई, अगर मर्द है तो उसके लिए जहर है। फजर में जहर का मतलब क्या है कि वो सूरह फातिहा को आवाज निकाल कर पढ़ेगा, विस्पर के साथ नहीं पढ़ेगा। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीनिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन जोहर असर के अंदर इख्फात के साथ पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इंसान नमाज पढ़ेगा। उसमें भी मौला फरमाते हैं कि ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, चाहे नमाज जहर वाली हो या नमाज इख्फात वाली हो, सूरह फातिहा जहर वाली हो या सूरह फातिहा इख्फात वाली नमाज में हो, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर वलज़्ज़ालीन तक, और जो आप दूसरा सूरह पढ़ें उसमें तो आप विस्पर करेंगे ज़ोहर असर के अंदर, लेकिन मुस्तहिब है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप बुलंद आवाज से पढ़ें। बुलंद का मतलब ये नहीं है कि चीख कर पढ़ें, आवाज को निकाल कर पढ़ें, विस्पर करके ना। तो ये कहाँ से आया?
ये हमें सुन्नत कहाँ से मिली है? ये हमें सुन्नत हमें इसी पहले इमाम के जरिए से मिली कि मौला ने नमाज को जब पढ़ के दिखाया, किसी ने कहा कि मौला बताइए कि रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे, तो मौला ने दो वक्त नमाज पढ़ी और जब इस नमाज को पढ़ा तो इब्ने अब्बास कहने लगे कि खुदा की कसम आज मैंने वही नमाज देखी है कि जो मैंने अल्लाह के रसूल की नमाज पढ़ी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला कि मौला का खानदान वो खानदान है कि जो रसूल का खानदान है। अहलुल बैत अदवा मा फिल बैत, जो घर वाले होते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि घर में क्या है। ये अहलुल बैत ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि अल्लाह के रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे। बाज़ अफ़वाद सोशल मीडिया पर आते हैं और एक एक करके मुख्तलिफ रिवायात जिक्र करते हैं और कहते हैं कि रसूल इस तरीके से नमाज पढ़ते थे, इस तरीके से नमाज पढ़ते थे। जाने के वामी रसूल की नमाज को आपको देखना है तो आप अहले बैत से पूछें, अहले बैत किस तरीके से नमाज पढ़ते थे, ना उनसे पूछें कि जो रसूल की वफात से 2 साल पहले इस्लाम लाए, ना उनसे पूछें कि जब रसूल मबऊस बेमिसालत हो रहे हैं तो उस वक्त से लेकर शहादत तक कदम ब कदम वो अली कि जब बात करना चाहिए, आंख खोलना चाहिए, तब भी रसूल ने अली को अपनी गोद में लिया और जब रसूल इस दुनिया से जाना चाहते थे तो रसूल को अली ने अपनी गोद में लिया। वो हस्ती उनसे पूछे कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। ये अली है कि जब नमाज पढ़ लिया करते थे तो तातीबात के अंदर फौरन मशगूल हो जाया करते, इधर उधर निगाह नहीं किया करते थे। और यही अली उनका खानदान भी ऐसा ही। ये खानदान कौन है? जनाबे सैयदा का खानदान। ये जनाबे सैयदा की औलाद जो मौला से है वो कि जिनके नाम भी मूसा और हारून के ताल्लुकात से बनती है कि अली को कहा गया कि जो नस्बत मूसा और हारून में थी वो रसूल और अली में थी, और जिन फर्जंदों को अली को नवाजा गया उन फर्जंदों के नाम भी इसी नस्बत से रखे जा रहे हैं। हसन का नाम हसन रखा गया शबर के नाम पर, हुसैन का नाम शुबैर के नाम पर। देखिए हमारे यहाँ बड़े सगीर में बाज नाम ऐसे हैं कि जो मशहूर हो गए गलत मशहूर। हमारे यहाँ कहते हैं शब्बीर, लेकिन अरबी किताबों के अंदर आपको नजर आएगा शुबैर। इसी तरीके से मुशब्बर, मुशब्बर तीसरा नाम है कि मौला के तीसरे बेटे का नाम था मुहसिन। मुहसिन वजन है मुशब्बर के वजन पे, कि जो फर्जंद मूसा के थे उन्हीं के फर्जंदों पर नाम जब रखा गया तो हसन हुसैन और मुशब्बिर के फर्जंद पे मुहसिन रखा गया। ये अहले बैत ऐसे अफराद हैं कि जिनके नाम भी अंबिया के फर्जंदों के नाम पे रखे जाए। और मौला जब कुरान की तिलावत करते थे तो रिवायात के अल्फाज हैं कि कुरान की तिलावत करते थे यकराउल कुरान इला अन तलअ अल फजर, कुरान की तिलावत करते थे यहाँ तक के सुबह तुलू हो जाती थी। अजीजों अली तो हो कि जो रात भर कुरान पढ़े, और अफसोस की बात है कि अली का शिया हो कि जो कुरान को सिर्फ अलमारी के ऊपर रख दे या जुजदान में रख दे और पूरे साल कुरान को ना खोले, सिर्फ इस्तखारे के लिए या कुरान के नीचे से दुल्हन को गुजारने के लिए कुरान को पढ़े। जबकि छठे इमाम फरमाते हैं इन्नमा शियतु अलीन कसीरतुन तिलावतुहुम लिल्कुरान, अली का शिया वो होता है कि जिसकी कुरान के बारे में तिलावत सबसे ज्यादा हुआ करती है अपने अतराफियों के मुकाबले। अली की शिया की सिफत छठे इमाम बताए, लेकिन कुरान की तिलावत तो वो करे कि जिसे कुरान से मोहब्बत हो, तो बेशक कुरान से मोहब्बत हो, कुरान से अगर किसी को मोहब्बत है तो कुरान की जबान को जानता हो, सबसे पहले तो कोशिश करे कि अरबी को पहचाने, अरबी सीखने की कोशिश करे। लेकिन अगर अरबी नहीं पढ़ सकता तो कम से कम उर्दू तो जानता हो, उर्दू पढ़ना तो जानता हो। कितने अफसोस की बात है कि आज का जवान, मैं जब कुम में हूँ तो एक मरतबा एक नौजवान आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर हौजे में पढ़ना है और हौजे में मैं पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पर इकामा हासिल करना चाहता हूँ। मैंने आपसे उससे पूछा आपका नाम क्या है, उसने अपना एक नाम बताया, कहा कि मैंने अपना नाम आप लिखकर दिखाइए, उसने नाम भी इंग्लिश में लिखा
मैंने कहा आप इसे उर्दू में लिखकर दिखाइए। देखिए दीनी किताबों का एक बड़ा मजमुआ अरबी में, उसके बाद फारसी में, तीसरी जबान जिसमें दीनी किताब सबसे ज्यादा है वो उर्दू है। आज का नौजवान उर्दू भी वोमन में लिखता और पढ़ता है। उससे मैंने कहा नाम लिखिए, तो उर्दू में नाम भी अपना उर्दू में नाम भी सही से नहीं लिख सकता। ये क्या हालत है कि जो शख्स उर्दू में अपना नाम सही से ना लिख सकता हो वो किस तरीके से कुरान के तर्जुमे को पढ़ेगा। कोशिश कीजिए कि कम से कम आप जबान को तो सही से हासिल कर सके, कि आप उर्दू सीखें, फारसी सीखें, अरबी सीखें, आपकी अपनी मादरी जबान जो है वो तो उसे लिखना इंसान पढ़ना जानता हो। कि जैसे छठे इमाम कह रहे हैं कि अली का शिया वो हुआ करता है कि जो बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करता है। कुरान को हम समझ कर पढ़े और जब मौका मिले तो उसके तफसीर समझने की भी कोशिश करें। ये अली जंग के दौरान भी कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते हैं, कुरान को पढ़ते हुए नजर आते हैं और कुरान के जरिए से लोगों को जंगी दर्ज देते हुए नजर आते हैं। कि जहां जंग के अखलाक अली के ये हैं कि वहां कहते हैं कि मैं कभी भी जंग में इब्तिदा नहीं करूंगा। एक मरतबा एक शख्स आता है आकर कहता है, जिसका नाम है बदील बिन वर्का, आकर कहता है मौला अभी दुश्मन सोया हुआ है, आप जंग की इब्तिदा कर दें। जंगे सिफीन में हाकिम शाम भी आ गया था, मौला भी आ गए थे। बदील बिन वर्का अपने दोनों बेटों के साथ मौला के पास आता है और मौला से कहता है क्या आप जंग में इब्तिदा कर दें, अभी ये सोए हुए हम उन्हें जहन्नुम हासिल कर देंगे। तो मौला उस वक्त जवाब देते हैं मां अब्दहुम बिल्कताल, देखो जब तक वो खून ना बहा ले हम उनका खून ना बहाएंगे। क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान को आप बगैर किसी वजह के कत्ल नहीं कर सकते। वो अली के जिन्हें जहाद इब्तदाई का हक हासिल है, इब्तदाई तौर पर जहाद करके कुफार के मकामात पर हमला कर सकते हैं, वो अली जब मुसलमानों से लड़ रहे हैं तो इस चीज का एतमाद लेते हैं कि मां अब्दाहुम बिल्किताल, कि मैं जंग में इब्तदा नहीं करूंगा। तो दूसरा अदब क्या बताते हैं, दूसरी सिफत, कहा कि अली की सिफत यह है कि अली वो है जो कभी भी किसी दुश्मन को गफलत के आलम में नहीं मारता। जब अली देखता है कि वो अली से मुकाबले पर आमादा है तब जाकर दुश्मन को निस्तो नाबूद किया करता है। ये जो आपको बाज वाकयात व्हाट्सएप के मैसेजेस में मिलते हैं कि जब मौला जंगे खंदक के अंदर और जंगे खैबर के अंदर, खास तौर पे जंगे खैबर के अंदर जब गए और देखा कि दुश्मन जो है वो सामने से जंग करने के लिए उसका कद लंबा है और अली का कद नाउज़ुबिल्ला छोटा है, तो अली ने गफलत में उसे डालने के लिए कहा कि देखो उस तरफ क्या है। वो जैसे ही उस तरफ मुड़ा तो अली बिन अबी तालिब ने सैबल ज़ैबल लगा दी। नहीं, तारीख के अल्फाज हैं कि मौला ने खैबर के मौके पर भी वो अली जो अपने हाथों से खैबर के दरवाजे को उठा लेता है, उखाड़ लेता है, वो अली जब दुश्मन के मुकाबले में जाता है तो दुश्मन को गाफिल करके नहीं, दुश्मन को बेदारी के आलम में कत्ल करता है। ये उनकी शुजात के तरीके, ये उनके जंगी सिफात के तरीके। और फिर मौला फरमाते हैं कि जब तुम जंग के लिए जाओ तो किसी को मुसला नहीं करना। मौला की जब शहादत वाकई होती है तो शहादत से पहले जो वसीयत की है हसन मुश्तबा को, कहा कि देखो मेरे कातिल को भी मुसला नहीं करना। मुसला किसे कहते हैं कि उसके कान काट दिए जाए, नऊज़ुबिल्लाह हाथ काट दिया जाए। इस तरीके से कहा कि नहीं, अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अल्लाह के रसूल के कौल की तौहीन हो। कि अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि जब भी किसी शख्स को जो जख्मी हालत में हो उसे मुसला किया जाता है तो मुझ रसूल को हमजा याद आ जाते हैं जिनके जिगर को काट कर उनके कलेजे को खाया गया था। जिसके लिए ज़ियारत आशुरा के अंदर ये जुमला आता है कि आकिलतुल अकबार, जिगर खाने वाली पर खुदा लानत करे। जाने के आमी मौला उस वक्त भी जंगी आदाब और जंगे तरीकों का रियायत करते हैं, आदाब का ख्याल रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मौला की तरफ से कोई ऐसी चीज हो जाए जो अल्लाह के रसूल से हदीस में आई हो कि वह अंजाम ना दी जाए। मौला जंगी आदाब बताते हैं, उसमें से एक अदब ये कि देखो जंग के लिए, जहाद के लिए जब तुम आओ
तो ये जहाद जहाद असगर है, याद रखना इस जहाद असगर को अंजाम देने से पहले तुम्हारे यहाँ जहाद अकबर होना हुआ होना चाहिए। एक मरतबा अल्लाह के रसूल जंग से वापस आए, जहाद करके वापस आए, अभी लोग बैठे ही थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो लोग अभी जहाद असगर छोटा जहाद करके आए हैं बड़े जहाद के लिए आमादा हो जाए। सब परेशान हो गए कि हम तो थके हुए हैं, अभी तो हम जंग करके आए हैं, अभी तो हमारी थकावट भी दूर नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जहाद असगर वो था जो तुम करके आए, जहाद अकबर है तुम्हारे नफ्स से तुम्हारा जहाद, तुम्हारी ख्वाहिशात नफसानी के मुकाबले में तुम्हारा जहाद। इसलिए कि जब तुम अल्लाह के रसूल के पास आकर बैठते हो तो अल्लाह के रसूल के पास भी बाज अफराद सिर्फ इसलिए आया करते थे कि उन्हें कहा जाए कि हाँ ये भी मुसलमान है, अल्लाह के रसूल उनकी तरफ तवज्जो करके ये कहते थे, ये जुमला कहते थे कि देखो जब तक तुम अपने ईमान को कामिल नहीं करोगे, गुनाहों से नहीं बचोगे, ये कहलाने के लायक नहीं हो कि तुम अल्लाह के रसूल के सहाबी हो। इसलिए कि बहुत सारे अफराद बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ नियाज होती हैं, मुख्तलिफ मकासिद और मुख्तलिफ मकसद हुआ करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर बाज़ अफराद मजलिस में आते हैं मजलिस को सुनने के लिए, मजलिस से इस्तेफादा करने के लिए, बाज़ अफराद आते हैं मजलिस में से मसाइल सुनने के लिए, बाज़ अफराद आते हैं सिर्फ सवाल हासिल करने के लिए, और बाज़ आते हैं जो जानते हैं आप सब भी जानते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजलिस में चाय पीने के लिए जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग मुख्तलिफ मकाम पर पहुँचते हैं, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल के पास भी मुख्तलिफ तरीके से लोग मुख्तलिफ मकासिद के लिए जाते थे। तो मौला के पास भी जब ऐसे अफराद आते थे तो मौला ने जंग से पहले ये जुमला कहा कि देखो ये याद रखना कि कोई ऐसा शख्स ना हो जो अली के साथ इसलिए आया हो कि अली उसे इनाम और इकराम से नवाजेंगे, नहीं, याद रखना अली के साथ जो भी जहाद के लिए आए वो शहादत के लिए आमादा, शहीद होने के लिए आमादा। ये मौला की जंगी सिफात थी, मौला कभी भी जंग के लिए लोगों को इस तरीके से आमादा नहीं करते थे कि देखो जंग में तुम्हें माल गनीमत मिलेगा, जंग में तुम्हें ये इनाम और इकराम मिलेगा, बल्कि शहादत की आरजू के साथ ये दर्ज देते थे कि देखो तुम्हें मोमिन होते हुए शहादत की आरजू करनी चाहिए। हमें भी ये दर्ज मिलता है कि हम ये नियत करें कि जब इमाम जमाना का जरूर होगा तो हम उनके साथ उनकी हमराही में होते हुए शहादत को और शहादत के मकाम को पाएंगे। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद और जहाँ ये सिफात आपको मौला की नजर आती है कि मा अब्दाउम बिल क़िताल कि मैं जंग में इब्तिदा नहीं करूँगा, वहाँ यही सिफत आपको उनके फर्जन में भी नजर आती है कि जब कर्बला के मैदान में मौला हुसैन पहुँचते हैं दो मुहर्रम को, तो दो मुहर्रम के बाद बाज़ अफराद आकर मौला से ये कहते हैं कि मौला आप जंग की इब्तिदा करें, अभी तो थोड़े लोग हैं, अभी बड़ा लश्कर आया नहीं है, हम इन्हें जहन्नुम वासिल करके कूफा के जानिब चलते हैं। तो मौला के ये जुमले हैं वही जुमले जो मौला अली ने कहे थे, मौला हुसैन फरमाते हैं मा अब्दाउहुम बिल क़िताल कि मैं जंग की इब्तिदा नहीं करूँगा जब तक ये किसी मोमिन का खून नहीं बहाते। ये हुसैन भी इस बात पर राजी नहीं है कि वो किसी मुसलमान का खून बहाते। मा अब्दाउहुम बिल क़िताल, बस वो वक्त भी आता है कि जब शबे आशूर ये आखिरी गुफ्तगू तय पा जाती है कि अब सिवाय जंग के और कोई राह नहीं है और कोई तरीका नहीं। मौला हुसैन आकर अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं कि मेरी आखिरी गुफ्तगू उमर इब्ने साद के साथ तय पा चुकी है। उमर इब्ने साद कहता है कि या तो आप बैत करें या आपको यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा। बस बीबी ज़ैनब ये जुमला कहती हैं कि ऐ मेरे भाई हुसैन, क्या उम्मत मुस्लिमा इस हाल पर पहुंच गई कि उसे ये भी इत्तला नहीं कि ये नबी का नवासा है, ये अंबिया का वारिस है। अजीजाने गिरामी, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, सिर्फ मोमिनों में नहीं, ये बात तमाम अफराद में मशहूर थी कि ये अहले बैत नबूवत के विरासत हैं, विसालत की विरासत में। हत्ता दुश्मन भी ये बात जानता था
कि ये नबी के वारिस हैं। ज़ियारत वारिस है कि जहाँ अल्फाज मैंने आपसे जिक्र किए थे कि अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, कि ये आदम के वारिस हैं, ये नूह के वारिस हैं। वहां जब ये काफिला शाम पहुंचता है और यजीद के दरबार में पहुंचता है और यजीद मौला हुसैन के सर की हदक करता है, तो उस वक्त ये जुमला कहता है कि ऐन अल बदरियून, वो लोग के जो बदर में मेरे आबो अजदाद कत्ल कर दिए गए थे वो कहाँ हैं? वो आए और देखें कि मैंने नबी के वारिसों के साथ क्या किया। ये यजीद के जुमले हैं। दुश्मन जानता था कि ये नबी के वारिस हैं, दुश्मन जानता था कि ये अंबिया के वारिस हैं, फिर भी ये तौहीन के लिए आमादा होता है और इस तरह की जसारत करता है और जुरत करता है। एक मरतबा मौला कहते हैं कि ऐ बहन ज़ैनब, बस अब हमारी आखिरी गुफ्तगु तय पा चुकी है, अब या तो बैत है या जंग है, और मैं कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। एक मरतबा जनाब ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को आमादा करने के लिए खेमे में जाती हैं। ये दोनों बच्चे कौन हैं? जब मदीने से काफिला निकला था तो मदीने से काफिला निकलने से पहले बीबी ज़ैनब अपने शौहर के पास आती है, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के पास। ऐ अब्दुल्ला, क्या तुम्हें याद है कि जब हमारी शादी तय पाई थी तो एक शर्त भी तय पाई थी? कहा हाँ मुझे याद है कि ये शर्त तय पाई थी कि जब ज़ैनब अपने भाई के साथ जाने के लिए इजाजत मांगे तो मैं इसे इजाजत दे दूँ। तो ज़ैनब कहती है ऐ मेरे भाई, मैं आपसे इजाजत देना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। बस अब्दुल्ला एक लम्हे के लिए तामुल करते हैं और एक जुमला कहते हैं कि इस घर को कौन संभालेगा, इन बच्चों को कौन संभालेगा। एक मरतबा ज़ैनब कहती हैं कि ऐ मेरे शोहर, बेशक अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं हुसैन के बगैर जी भी नहीं पाऊंगी, हुसैन के बगैर रह भी नहीं पाऊंगी। बस अब्दुल्ला ने ये जुमला सुना, एक मरतबा कहा कि हाँ मैंने तुम्हें इजाजत दी, ऐ ज़ैनब मैंने तुम्हें इजाजत दी। बस ज़ैनब अपने शौहर से इजाजत लेकर अपने भाई हुसैन के पास जाती है। बस ये ज़ैनब हुसैन के पास पहुंचती है, उधर अब्दुल्ला एक तेज घोड़े के साथ जाते हैं और जाके हुसैन से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि ऐ सैयद शुहदा, ऐ अल्लाह के रसूल के फर्जंद, आप तो जा रहे हैं लेकिन मैं अपनी जोजा ज़ैनब से मुलाकात करना चाहता हूँ। एक मरतबा हुसैन कहते हैं कि ऐ अब्बास, जाइए और ज़ैनब से अब्दुल्ला की मुलाकात करवाइए। अब्दुल्ला सैयदा के पास जाते हैं और सैयदा से कहते हैं ऐ सैयदा, तुम तो जानती हो कि मेरी उम्र 72 बरस है और अब मैं अपनी आंखों की बीनाई को भी खो चुका हूँ। मैं खुद तो ज़ैन पर शहीद नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरे दाया हाथ में और है, ये मेरे बाया हाथ में मोहम्मद है। जब हुसैन को जानों के नजर आने की जरूरत पड़े तो इस और मोहम्मद को मेरी नुमाइंदगी में शहीद करवा देना। बस ज़ैनब इस और मोहम्मद को लेती है। रास्ते में ये काफिला मक्का पहुंचता है। मक्का में उमरा करने के बाद कूफा की जानिब रवाना होता है, कर्बला में रुक जाता है, लेकिन गाहे बगाहे मौके मौके पर ज़ैनब अपने बच्चों से कहती है ऐ बच्चों, मेरी लाज रखना, जब मेरे भाई हुसैन की अल मिन नासिरिन की सदा बुलंद हो तो मेरी इज्जत रखना, जाके हुसैन पर अपनी जान वार देना, अपनी जान कुर्बान कर देना। बस ज़ैनब अपने बच्चों को आमादा करती है। कर्बला में शबे आशूर आती है, ज़ैनब अपने बच्चों से कहती है देखो बेटा, एक मैमना की तरफ जाए, एक मैसरा की तरफ जाए, जब दोनों जंग करते वक्त दुश्मन को
मसरूफ कर दे तो कलबे लश्कर में आकर दोनों मिलकर इत्तेहाद के साथ हमला करना और दुश्मन को जानू हासिल करना। बेटे इन दोनों नसीहतों को सुन लेते हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है, बेटा जब जंग के लिए जाना तो मेरी वसीयत याद रखना कि ऐ औलो मोहम्मद जब जाना और दरियाए फरात पर पहुंच जाना तो पानी ना पीना, इसलिए कि सकीना प्यासी है, हुसैन की बेटी प्यासी है और हुसैन का चश्मा नन्ना अली असगर भी प्यासा है। एक मरतबा आशूर का दिन आता है और वो मोहम्मद को ज़ैनब सजाती है, उन्हें तैयार करती है। एक बड़ा बेटा होता है वो घोड़े पर सवार हो जाता है, दूसरा बेटा छोटा होता है वो घोड़े पर सवार होना चाहता है, कदम नहीं पहुंचते, कदम नहीं पहुंचते। एक मरतबा आवाज देता है अम्मा, बस अम्मा की आवाज देता है जनाबे ज़ैनब। एक मरतबा अब्बास से कहती है, ऐ अब्बास जाओ और मेरे इस छोटे बेटे को घोड़े पर सवार करो। ये औलो मोहम्मद वो थे कि जब मौला हुसैन से इजाजत लेने आए थे ना, तो एक मरतबा मौला हुसैन ने इजाजत ना दी थी, मौला ने कहा था कि ऐ मेरे शेवो अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा तो मेरी बहन की औलाद कहाँ बचेगी। बस एक मरतबा ज़ैनब ने आकर इल्तिजा की थी, ऐ मेरे भैया मुझे मेरे बाबा ने कहा था कि ये असर आशूर ये शाम वो शाम होगी कि जब हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि इस शहादत में मेरा कोई हिस्सा ना हो। हुसैन ने इजाजत दी थी, अब्बास ने घोड़े पर सवार किया और मैमना की तरफ, मोहम्मद मैसरा की तरफ, और बेहतरीन जंग लड़ते मोहम्मद भी बेहतरीन जंग लड़ते। जब कलबे लश्कर पर पहुंचते तो एक मरतबा बेहतरीन तरीके से दादे शुजात को वसूल करते हैं। एक मरतबा और दरियाए फरात पर पहुंचते तो यह फरात को देखते ही है कि मोहम्मद सदा देते हैं, ऐ और क्या तुम्हें हमारी माँ की वसीयत याद है, पानी ना पीना। यहाँ छोटे छोटे बनी हाशिम के बच्चे प्यासे हैं। एक मरतबा एक घोस मोहम्मद के सर पर लगता है और उनके सीने पर तीर लगता है और वो मोहम्मद ज़ैन से जमीन पर आते हैं। जैसे ही ज़ैन से जमीन पर आते हैं, जमीन पर गिरने से पहले हुसैन पहुंच जाते हैं और हुसैन और मोहम्मद को अपनी गोद में ले लेते हैं। एक फर्जंद में अभी एक रमक बाकी होती है, वो कहते हैं कि ऐ हमारे मामू हुसैन आप हमारी माँ से ये कहिएगा कि ऐ माँ हम फरात तक पहुंचे थे मगर हमने पानी न पिया। बस हुसैन इन दोनों फर्जंदों को लेकर खेमे की तरफ आते हैं। फिज़ा कहती है, ऐ सैयद ज़ादी, ऐ आका ज़ादी आपके फर्जंद आ गए। ज़ैनब कहती है, मैंने तो अपने लाल को, अपने दोनों लाल को शहीद होने के लिए भेजा था, ये कैसे वापस आ गए। फिज़ा कहती है कि जाइए आप देखिए कैसे वापस आए। एक मरतबा ज़ैनब जाती है, देखती है और मोहम्मद का लाश पड़ा है, एक के धार एक के सीने पर दाया हाथ रखती है, एक के सीने पर बाया हाथ रखती है, सजदे में शुक्र के जुमले कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह ताअब्बुदन व हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान व तस्दीका। खुदाया इस ज़ैनब की इस खलील सी कुर्बानी को कबूल फरमा। ज़ैनब गिरिया नहीं करती है। आज़ादारों जब मदीने का काफला पहुंचा था ना, अब्दुल्ला ने पूछा था कि ऐ ज़ैनब हमने ये सुना है कि जब औलो मोहम्मद के लाश पर आपने हाथ रखा था तो आपने गिरिया क्यों ना किया। तो कहती है ज़ैनब, मैंने इसलिए गिरिया नहीं किया कि यही ऐसा ना हो कि हुसैन ये सोचे कि ज़ैनब अपनी नजर से पलट गई है। आज़ादारों बस कर्बला वाक़िया हो गई,
आशूर अपनी असर पे पहुंच गया, शाम गरीबा हो गई, जैनब अपने लाल पर ना रोई, कर्बला से निकले कूफा और शाम के बाजार में पहुंचे, जैनब अपने लाल पर ना रोई। बस 11 मुहर्रम के बाद भी जब काफिला चलता रहा और शाम और कूफा में पहुंचता रहा, जैनब ना रोई। जब जैनब को एक मर्तबा सैयद सज्जाद के बेहतरीन खिताबत के बाद आजादारों असीरों को आजाद करने का वक्त आया, तो एक मर्तबा कहा गया कि शहीदों के सर वापस किए जाए। सैयद सज्जाद ने कहा शहीदों के सर वापस किए जाए, एक एक करके सबके सर वापस आते थे। एक नन्ना सा सर आया, कहा कि ये किसका सर है? कहा कि लैला ने कहा कि हाँ मुझे दे दो, ये मेरे बच्चे का सर है। एक मर्तबा किसी और माँ का लाल का सर आया, कहा ये सर मुझे दे दो। एक मर्तबा दो सर साथ में रखे हुए आए, कहा गया कि ये किसके सर है, किसके बच्चों के सर है? कोई खड़ा ना हुआ। दूसरी मर्तबा कहा गया, कोई खड़ा ना हुआ। जब तीसरी मर्तबा कहा गया ना, तो ये जुमला कहा गया कि क्या इन दोनों सरों के जो सर, ये जो दो सर है, ये जो दिन बच्चों के सर है, क्या इनकी माँ जिंदा है या कर्बला में चलते हुए खेमों में चलकर मर गई है? बस ये सुनना था। एक मर्तबा फिजा खड़ी हुई, कहा कि ये मेरी आका जादी के सर है, लाओ ये मुझे दे दो। बस इन दोनों सरों को ले जाया गया, इसके सही मकाम पर दफन किया गया। जैनब ना रोई, चैलों पे पहुंचे, जैनब ना रोई। जब चैलों में ज़ियारत अरबईन करके वापस जा रहे थे, तो कहा मेरे बच्चों खुदा हाफिज, जैनब ना रोई। बस मदीने में पहुंचे, रसूल के वाजे पर पहुंचे, रसूल को सलाम किया, जैनब ने इन दोनों बच्चों का तज़किरा ना किया। सैयदा के वाजे पर गई, सैयदा की कब्र पे जैनब ने दोनों बच्चों का तज़किरा ना किया। हसन के वाजे पर गई, उनकी कब्र पर गई, जैनब ने इन दोनों बच्चों का तज़किरा ना किया। बस जैनब यहाँ एक के बाद एक कब्र पे जा रही थी, वहाँ अब्दुल्ला ने सैयद सज्जाद से कहा, ऐ सज्जाद अब जैनब से कहो कि वो घर आ जाए। बस सैयद सज्जाद ने पुपी से कहा आप घर आ जाइए। जैनब घर पर आती है, एक मर्तबा घर में दाखिल होती है, दो जा नमाज नजर आते हैं, इन दोनों जा नमाज को सीने से लगाती है, कहती है ए और ए मोहम्मद, ये जैनब कैसे तेरे बिना जी सके। محمد والے محمد کا ہمیں سیرت حسین کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کی زبور میں تعجیم ہے، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین جو حاجات لے کر آئے ان کی حاجات روائی فرما، جو مومنین جو مشکلات میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی مشکلات دور فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین اسیر ہیں پروردگار انہیں قید سے رہائی عطا فرما، پروردگار جو مومنین جہاں جہاں مظلوم ہیں، جو مومنین جس پریشانی میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و سائل شامل فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم، آتم حسین۔